हरियाणा का महाव्यापम घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज हम इसके चार पहलू लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। नौकरी बिक्री महाव्यापम घोटाला अब बना है मुख्यमंत्री पर्दा डालो और अपराधी बचाओ योजना। दूसरा पहलू, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने झूठ बोलकर क्यों बरगलाया और किसे बचाया। तीसरा पहलू, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की नौकरी बिक्री घोटालों की जांच शुरू होने से पहले ही क्यों बंद कर दी। चौथा पहलू, भाजपा जजपा सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वह नौकरी बेचने वाले दलालों के साथ है या हरियाणा के नौजवानों के साथ। और अब मैं आपको सिलसिलेवार इस आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। भाजपा जजपा सरकार के खर्ची की अटैची लाओ और पद पाओ अभियान की परतें खुलते ही सारी सरकार की ताकत नौकरी बेचने वाले गिरोह के संरक्षण और आला अधिकारियों और सफेद पोशों को बचाने में लगी है। मैं बहुत गंभीरता से आपको इल्जाम लगाता हूं सरकार पर। भाजपा जजपा सरकार और मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी अपनी जिम्मेवारी स्वीकारने की बजाय पूरी तफ्तीश को दिग्भ्रमित कर पीछा छुड़ाने की फिराक में लगे। लगता है कि पुलिस और विजिलेंस विभाग अब दोनों मिलकर इस नौकरी घोटाले की जांच पूरी होने से पहले ही या जांच शुरू होने से पहले ही पर्दा डाल रहे हैं। पूरी सरकार मिलकर किसी कीमत पर और किसी तरह से सारे मामले को रफा दफा करना चाहती है। यहां तक कि मुख्य दोषी भी अब पुलिस रिमांड और हिरासत से छुटकर अब न्यायिक हिरासत में चले गए और चैन की सांस ले रहे। इस गति से ये चलता रहा तो बहुत जल्दी वो जमानत पर भी छूट जाएंगे। और साल 2018 के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिश्वत दो नौकरी लो कांड की तरह ये मामला भी पाताल की तह में छुप जाएगा। पर प्रदेश के युवाओं की ओर से मैं ये कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब और भाजपा जजपा सरकार अपनी जवाबदेही से पल्ला नहीं झाड़ सकते।